तो अभी दादी जी आई हैं, तो अभी सुबह जो मम्मी जी ने आलू के पराठे बनाए हैं तो दादी जी अभी खा रही है। कैसे है दादी जी? बढ़िया। बढ़िया बने रहे हैं ना? हमने भी खा लिए हैं। तो अभी टाइम आप देख लीजिए, टाइम हो चुका है 9:12 हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ा कम दिखा रहा है। 9:12 यहाँ पे अनुराग भैया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आपके अपने एक प्यारे से व्लॉग में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मम्मी जी बैठी हैं, यहाँ पे दादी और पीछे की तरफ अनुराग भैया। तो अभी आज मम्मी जी ने आलू के पराठे बनाए थे जो कि काफी मस्त हो रखे थे। तो अभी हम पूछे कैसे बने हैं। मस्त बने हैं, दादी ने बोल दिया ये चीज़। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि आज हमें बिल भर के आने हैं, जो कि एक वाईफाई का बिल है और मतलब रिचार्ज करवा के आना है इसका, और एक बिजली का बिल है। तो फिलहाल इसीलिए हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो अभी एंट्री कर ली है हमने पावर हाउस में, तो ये बिजली का बिल वहाँ पे भरा जा रहा है, तो अभी हम भी भर देते हैं जाके। और भैया जी बिल भर रहा है। हमने बिल वगैरह तो ही भर दिया है, तो ये वाईफाई का रिचार्ज करवाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम जसप्रीत बुमराह साहब के पास जा रहे हैं वाईफाई का रिचार्ज करवाने के लिए। अभी फिलहाल तो अनुराग भैया क्या पूछ रहे थे आप? वोट कार्ड के बारे में, तो उसके बारे में पूछ रहे थे। तो ये पता चला है कि वो तो बहुत आसानी से बन जाती है, तो अभी देखते हैं। तो फिलहाल चलते हैं, MG रोड पे पहुंच चुके हैं, यहीं पे अनुभव भी। तो दोस्तों अभी घर पे तो आ चुके हैं, तो अभी पता चला है कि जो वाईफाई है वो पीछे से ही बंद है। तो हर जगह से मतलब BSNL का हल हुआ रखा है ना हमने, तो वो ना मतलब पीछे से ही बंद हो रखा है नेट, तो इसलिए आज व्लॉग भी डाल पाया मैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है बिना नेट के। तो फिलहाल चलिए अभी देखते हैं कब शुरू हो गए, तो उस हिसाब से डालेंगे दोबारा से कंटिन्यूसली। तो अभी घर तो आ चुके हैं, तो अभी पता चला है कि वाईफाई तो पीछे से ही बंद है, तो अभी देखते हैं क्या सीन रहेगा। वैसे हमने BSNL का लगवा रखा है ना, तो इसलिए सब ना पीछे से मतलब सर्विस बंद हो रखी है, तो अभी पता नहीं फिलहाल कब ठीक होगा, तो अभी देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो फाइनली गाइस हमने अभी नहा तो लिया है, तो अभी फिलहाल हमारा इंटरनेट भी चल चुका है जो कि पीछे से प्रॉब्लम आ रखी थी। तो फिलहाल अभी मैंने आज वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो उसको अभी एडिटिंग करते हैं। एडिटिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा था, तो क्या एडिटिंग करता। तो फिलहाल एडिटिंग करूँगा और फिर इसको अपलोड करूँगा अच्छे से। और अभी फ़िलहाल मेरे को स्टडी भी करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स रखी है यहाँ पे, इनको कंप्लीट करना आज। तो आज इनको पहले कंप्लीट करते हैं और एडिटिंग भी करनी है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो फिलहाल गाइस अभी चाय पी रहे हैं, तो अभी ट्यूशन वाले बच्चे भी मैंने पढ़ा दिया उनको भी, तो अभी अभी जा चुके हैं। बंदर आ गए क्या? नहीं, आवाज तो आई है जैसे। तो यहाँ मम्मी जी बैठी हैं और ये प्रैक्टिकल फाइल्स अभी शाम को लेके आनी है। दोस्त से मैंने उससे बात की थी, तो बोला था शाम को ले जाना। तो ये तो सिंपल बिल्कुल कॉपी करके बनानी है, तो इनमें से इस तरह में मम्मी जी बैठी है, तो अभी शाम को चलेंगे। तो आपको अभी मूवी के बारे में पता करके आऊँगा, तो मम्मी जी को मूवी दिखानी है ना, तो उसके बारे में अभी देख के आऊँगा जो मूवी मैं बोल रहा हूँ मम्मी को, तो पहले देख के आनी पड़ेगी कि थिएटर में लगी हुई है नहीं लगी हुई है, तो तभी देखने के लिए जाएंगे ना, तो पूछ के आना पड़ेगा पहले, तो फिर चलेंगे, फिर प्लान बनाएंगे उसके हिसाब से। तो चलिए अभी फिलहाल तो साहिल भी आज करनाल गया है अपनी उसकी मम्मी के साथ, क्योंकि उनको दवाई वगैरह लेके आनी थी, तो अभी फिलहाल उसका वेट करेंगे अभी शाम को। तो अनुराग भैया अभी जा चुके थे, तो उसका वेट करेंगे और फिर साथ में ग्राउंड की तरफ चलेंगे, और साथ में वहाँ पे थिएटर में रेड रॉक्स में भी देख के आएंगे कि मूवी कौन कौन सी लगी हुई है, उसके हिसाब से फिर देखेंगे कि मम्मी जी को कौन सी मूवी दिखानी है। तो दोस्तों अभी जस्ट बेड से अभी उठा हूँ, क्योंकि अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि अभी नेट वगैरह चल गया था अच्छे से, तो पीछे की तरफ मम्मी जी सिलाई हर बार की तरह कर रही हैं। क्या मज़ा आता है आपको सिलाई करने में? मज़ा आता है, जो काम है काम करने का तो मजा ही नहीं आ रहा है। तो मैं पूछ के आऊंगा, देखता हूँ अभी मूवी कौन सी लग रही है। दीदी का सूट सिल दिया ना, तो आपको आने के बाद बताऊंगा कौन सी मूवी लगी हुई है थिएटर में, पता करके आऊंगा मैं अगर टाइम लगेगा तो। फिलहाल मैं साहिल के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी आया है,
क्या? दिखाएगा, अरे दिखाएंगे, क्या बात करते हैं यार। ये ले चाबी रख लो, दिखाएंगे मूवी, जरूर दिखाएंगे आपको। लगने से नहीं होता, करने से होता है। तो अच्छे तरह से दिखाएंगे, टेंशन मत लो आप। तो फिलहाल मैं साहिल के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी आ चुका है करनाल से। वो करनाल गया था मेडिसिन लेने के लिए, तो अभी चलिए उससे मिलते हैं फिलहाल पहले। तो अभी साहिल भी आ चुका है करनाल से। मंडी में आए हैं तो साहिल ले रहा है, कल नवरात्रे हैं तो उसके उपलक्ष में सामान ले रहा है। क्या हो गया? तो दोस्तों, हम उस दिन जब मंडी में गए थे तो हम वहाँ से तो आ गए थे, तो तब हम जब वहाँ पे गए थे तो वहीं से हम दादाजी की दवाई भी लेके आए थे साथ में, और वहीं से हम थिएटर की तरफ भी गए थे। तो हम देख के आए थे मूवी कौन कौन सी लगी हुई थी, तो वहाँ पे ट्रिपल आर और लेक मूवी लगी हुई थी। तो अभी प्लान बना रहे हैं कि कब जाना है, तो जब प्लान बनेगा तो तभी पॉसिबल हो पाएगा, तो फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, तो अभी देखेंगे जैसा भी होगा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, अगर चैनल में सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।